जिला परिषद कर्मचारी यूनियन अमृतसर की तरफ से जिला परिषद अमृतसर के कर्मचारियों ने तनख्वाहें ना मिलने के कारण डीसी दफ्तर में धरना दिया। इस मौके पर पत्रकार से बातचीत करते हुए यूनियन के नुमाइंदे ने कहा कि अगर अब भी इनकी पिछली तनख्वाहों का भुगतान ना किया गया तो वह उच्च अधिकारियों की घरों का घेराव करेंगे और भूख हड़ताल पर भी बैठ जाएंगे, जिसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। इस हड़ताल में श्री अमित दुग्गल प्रधान, सरदार दलजीत सिंह भागोवालिया जनरल सेक्रेटर, श्री नरेंद्र सिंह सुपरिटेंडेंट, श्रीमती संजीव कुमारी, सुखविंदर कौर, श्री जोगिंदर सिंह प्रधान दर्जा चार, श्री चरणजीत कौर आदि नुमाइंदे हाजिर सन। जिला परिषद अमृतसर मुलाजम है, सानू 5 महीने तो तनखा नहीं मिल रही। असं 26 तरीक डायरेक्टर साहब मिल के आए, उन्होंने 31 तरीक का आश्वासन दिता है तुम्हें 31 तरीक तनखा मिल जाएगी। हार हम के असं उन्हें फोन करते रहे पर उन्होंने साड़ी एक नहीं सुनी। 5 तरीक तो सू धरना लाना पाया। असी लगातार धरने से बैठे हुए हैं। अं सरकार बेनती करते हैं कि साड़ी तनखा जल्दी जारी की जाए। 5 तनखावान ना दतिया गई तो अं मरणवती रख सकते हैं, भुख हड़ताल ही रख सकते हैं। सरकार ने साढ़े बच्चे स्कूलों को कढ़ दिए, फीसा नहीं गई। बैंक ने सानू नोटिस कढ़ दिए आ। अं कई ने मकान ही लोन लिया वा, कई ने कार नहीं मोड़, कई मोटरसाइकिल ही लोन लिया वा। बैंक साढ़े मगर मगर फिरते, अं बैंक तो भजते फिरते हैं, स्कूलों वाले तो भजते फिरते हैं। इस सरकार को बेनती है साड़ी तनखा जल्दी जारी की जा। 5 महीने हो गए, 6वां महीना जान डे, सू तनखा नहीं मिली। देखो गरीब बंदे कितों गुजारा कर सकते हैं। असं विधवा जनानियां वा, है असं बंदे तो है नहीं भी जिन्ना कमा लैना तो खा लैना, मेहनत मजदूरी कर लैनी करना, तो अं इतों तनखा लैनी, तो इतों वर्तना। बच्चे एडमिशन तो जा